तो हेलो दोस्त, फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जो कि एक कस्टमर ने कमेंट किए थे, जो नाक पे जो ब्लैक नेट हो जाता है उसको कैसे हटाएं। तो हम इस वीडियो में आप लोग को आसान से आसान तरीका से बताने का प्रयास किए हैं। हम देख सकते हैं कितना ब्लैक नेट है। तो इसमें हम फ्रूट का स्क्रब प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग कोई भी स्क्रब प्रयोग कर सकते हैं जिससे हट जाएगा। बस तो देखें, फ्रूट का है, लिलियम कंपनी का है। तो आप लोग ध्यान से देखें और समझें। ये हो गया आपका गुलाब जल हो गया। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दें, सिर्फ फिंगर पे ध्यान दें किस तरीक़ा से कर रहे हैं। आप लोग कस्टमर को भी कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, या घर में किसी को भी आप कर सकते हैं इस तरीक़ा से। आप लोग पूरे वीडियो देखें, पूरे लास्ट तक देखें ताकि आप लोग को पूरे समझ में आ जाए आप लोग को कि किस तरीके से करेंगे। तो आप लोग अपने घर में भी अपने से कर सकते हैं, 100% हटेगा। देखिए यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, हर एक स्टेप पे आप लोग ध्यान रखें। वीडियो हम कहीं से नहीं काटे हैं, एक भी वीडियो तो पूरा दिखाए हैं। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ गया तो फिर से गुलाब जल मारे हैं। इससे आपका पूरे स्किन पे कहीं भी ब्लैक नेट रहेगा, सब जगह से पूरे हट जाएगा, डेड स्किन भी हट सकता है। आप लोग ध्यान से देखें और समझें। और फिर आप लोग स्किप करते हैं तो फिर समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे भी इस पर देख लें किस तरीके से कर रहे हैं दोनों फिंगर से। आपको इस प्रकार से पूरे माथा को आपको मसाज कर देना है। उसके बाद फिर से आपको देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से करें, यहाँ के ऊपर कहीं भी पूरे स्किन आप देख चुके हैं, पहले हम दिखाए हैं। अब फिर जब फाइनल होगा तो फिर आप देखेंगे किस तरीके से पूरे साफ हुआ, पूरे स्किन साफ हुआ है इससे। तो आप लोग पूरे देखें वीडियो, कहीं भी स्किप मत करें, खास करके दुकानदार लोग, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। कोई भी क्रीम हो आप लोग अगर करेंगे ढंग से स्क्रब तो आपको पूरे फेस लाइट भी करेगा और साथ साथ में जो है स्किन पे जो ब्लैक नेट होता है वो सब पूरे हट जाएगा। क्योंकि हम मोच के ऊपर जो है वो हम कर रहे थे। इस प्रकार से दो फिंगर्स करें। नोज के पास ये हो गया आपका लिलियम का, हो गया फेस टोनर हो गया। तो आपके पास अगर टोनर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर से गुलाब जल आप मार सकते हैं जैसे मारे हैं अभी। और इसी तरीके से आप लोग कम से कम 8-10 मिनट आराम से करें। दाना मोटा नहीं होना चाहिए स्क्रब का, मोटा है तो आप लोग मत करें, जो पतला रह लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मोटा में छिला सकता है स्किन। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखते हुए करें। ये चार फिंगर्स करें दोनों साइड से सेम है। जैसे कान के बैक में किस तरीके से करना है, घर में आप किसी को भी कर सकते हैं इस चीज़ को। देखेंगे कि हम नोज पे किस प्रकार से करते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें और देखें ताकि कहीं भी वीडियो में आपको दिक्कत ना हो, अगले कस्टमर भी खुश रहें और जो आप करेंगे। तो अच्छा रहेगा और कोई तरह दिक्कत नहीं होगा स्किन में। वही अगर आपका ब्लैक नेट ज़्यादा हो जाएगा बड़ा तो फिर वो आपको घाव फुंसी का रूप ले लेता है। देख ले किस तरीके से नोज भी फिकरना है।
तो नाइफ पे आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप लोग कहीं भी स्किप मत कीजिए, हर एक स्टेप में जिस तरीके से कर रहे हैं, जितना मिनट कर रहे हैं आप लोग इतना मिनट कर रहे हैं, गारंटी लेते हैं कि अगर नहीं हटा तो फिर आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि नहीं हो पाया तो हम जरूर फिर से अलग से हमें क्या दिक्कत हुआ आपके अंदर, क्या क्यों नहीं हटा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो फिर से हम आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे उस तरीका से ताकि आप लोग समझ में आ जाए और सीखें आसान तरीका से। अगर आप लोगों को कोई कटिंग चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम जल्दी प्रयास करेंगे डालने। और आप लोग दाढ़ी कोई भी कटिंग हो यार देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, कोई भी वीडियो हो। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि कोई तरह की दिक्कत ना हो आपको और नया अपडेट जो भी वीडियो डाल रहे हैं आपके पास पहुंच जाए। इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ताकि आप लोग को अगला वीडियो मिल सके। तो आप लोग पेपर्स भी हटा सकते हैं या टिश्यू पेपर जो भी हो, या प्लेट है तो आप प्लेट से हटा सकते हैं इसको, कि आपके घर में मशीन होगा नहीं, और मशीन है तो अच्छा है, खासकर दुकानदार लोग के लिए आसान तरीका से बताने का प्रयास किए हैं, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। आप लोग फिर देखिए इस समय हम साफ़ करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे किस तरीके से पूरा साफ़ हुआ है, हमारे स्टेप देखना ज़रूरी है आप लोग के लिए। स्टेप आप लोग पूरा देखें, नोज पर खास करके आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि नोज पे ज़्यादा था ब्लैक डेट। स्किन का शाइनिंग देख रहे हैं कि बदल चुका है पहले से। आप लोग प्लेट से इस तरीके से हटा सकते हैं, या क्योंकि तुलिया का थोड़ा बचत होता है, तुलिया गंदा जल्दी नहीं होता है, अन्यथा नहीं हटाएंगे तो फिर तुलिया में पूरे क्रीम लगेगा, तुलिया भी बचा सकते हैं इस प्लेट के माध्यम से। प्लेट रख लें कोई भी प्लेट हो, दाढ़ी आप डिज़ाइन देख सकते हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं किसी को भी, कटिंग भी बहुत अच्छा है इसका, आप नहीं डाले हैं तो अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम डालेंगे दाढ़ी का। तो आप लोग इसको देखें और लास्ट तक ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा लगा आप लोग को, और सीखेंगे ज़रूर, प्लीज़ लाइक। भाई फिर वाटर है धोने के लिए फेस, तौलिया से आप देखें किस तरीके से हम पोंछ रहे हैं नोज को, नाक को, आँख साफ कर देंगे ताकि आँख में लगे नहीं। अब देखें पहले से लाइट किस तरीके से बढ़ा है, लाइट पूरे फेस का लाइट बढ़ा है, और ब्लैक नेट जो था वो तो हटेंगे या मैं वो आपको दिखा रहे हैं थोड़ा देर में। देखिए फेस कितना लाइट कर रहा है पहले से, तो आप लोग भी इसी तरीका से कर रहे हैं ताकि ब्लैक नेट ना रहे, ताकि बद्दा नहीं लगे देखने में स्किन, स्किन साफ जरूरी है, सफाई रख सबसे सुथरा। तो आप लोग भी रखें, अगर हो तो आप लोग टिश्यू पेपर यूज़ करें, तो तौलिया गंदा होने के कारण आप लोग फ्रेश फील महसूस नहीं होगा, तो आप लोग टिश्यू पेपर रख के आप दोबारा पोंछ सकते हैं। तौलिया से इसलिए हम पोंछे हैं ताकि नोज का जो है ब्लैक नेट जो बच गया हुआ उससे आसान तरीके से निकल जाए। आप देखें फिर किस तरीके से कैसा लग रहा है, आप एक भी अगर ब्लैक नेट दिखेगा तो आप कमेंट करके बताएँ। पूरे साफ हो गया, पूरे क्लीन हो चुका है नोज़,